तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रहे थे कि भाई और वीडियो बनाओ कि दूसरों की पतंग कैसे काटें। तो फिर से मैं एक और वीडियो आपके लिए ले आया हूँ। तो अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है कि दूसरों की पतंग कैसे काटें, तो ऊपर आपको आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊँगा और फिर उन दोनों तरीके से मैं आपको पतंग उड़ा के और दूसरों की पतंग लाइव काट के भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसके लिए हमें फिर मैं दो डमी पतंगें ले आया हूँ, और जो ये कलरफुल वाली पतंग है ये समझ लीजिए आप उड़ा रहे हैं, और ये सफ़ेद वाली पतंग है ये किसी और की है। तो ये वाला पेज आपको जाना है ऊपर से। अब सफ़ेद वाली पतंग, पहले आप दोनों पतंग अपनी अपनी घुमा रहे होंगे, फिर सफ़ेद वाली पतंग जो भी हो आपसे आपके थोड़ा अंदर भरेगी। आप अपनी पतंग घुमा के थोड़ा उसके हाथ की तरफ बढ़ेंगे तो अपनी पतंग बाहर पूरी ऐसे क्रॉस में निकालना चाहेगा, ऐसे निकाल के पूरी खींचना चाहेगा। लेकिन आपको यहाँ पे पतंग का मुड्डा बाहर को करके एकदम क्रॉस में मार देना है। ऐसे आपको अपनी पतंग पूरी क्रॉस में एसआर की तरफ पूरी ताकत से, और इस तरीके से जैसे आप खींचेंगे तो उसकी पतंग कट जाएगी। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपकी कलरफुल वाली पतंग है, उसकी पतंग है सफ़ेद वाली, वो आपके आपके अंदर आया, आप थोड़ा उसके हाथ की तरफ जाना, फिर वो थोड़ा और अंदर आएगा, आप उसके मुंह की तरफ जाएंगे जैसे, तो वो घुमा के एकदम बाहर को निकालना चाहेगा पतंग ऐसे क्रॉस में खींचते हुए। आपको आपको भी सीधे क्रॉस में ऐसे बाहर की तरफ मार देनी है, पूरी जान से खींच, और इसी तरीके से आप उसकी पतंग काट देंगे। तो ये तो मैंने पहले ऐसे बता दिया, अब मैं आपको पतंग उड़ा के दिखाता हूँ और उसके बाद उससे पेज लड़ा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये रही दोनों पतंगें और दोनों की पतंग सेम है। तो अभी हम जाते हैं ऊपर से, तो अभी वो नीचे से आ रहा है, वो देखिए नीचे वाली पतंग उसकी है, फिर उन्हें बाहर निकाल ली अपनी पतंग, अब फिर से वो नीचे को आया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे अंदर भरेगा हम उसके मुँह की तरफ भागेंगे, और मुँह की तरफ उन्हें जैसे ही बाहर को खींचेगा हम क्रॉस में मार देंगे। देखिए और कितनी बड़े तरीके से हमने ये पतंग काट दी। तो मुझे लगता है आपको यार तरीका समझ में आ गया होगा। तो ये तो था पहला तरीका। तो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। फिर से मैं दो पतंगें ले आया हूँ डमी, इसी से आपको बताऊँगा। तो इसमें जो ये तरीका ये फंसा के लड़ाने के लिए, और इसमें आपकी पतंग है ये फिर से कलरफुल वाली, लेकिन इसके लिए जो आपको पतंग लेनी है अपनी पतंग लेनी है भारी। और अगर आपको नहीं पता कि पतंग कैसे चूज करें, तो ऊपर आई बटन में मेरी वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप वाली वीडियो देख सकते हैं कि अच्छी पतंग कैसे चूज करें। तो इस जब आप फंसाने का पेड़ लड़ाएँ तो अपनी पतंग रखें हमेशा भारी। तो मैं बता देता हूँ, ये है आपकी पतंग, अभी सफ़ेद वाला है। आप मान लिया आप नीचे से गए, सही, आपको लड़ाना है फंसा के पेज, सही, नात ना जिसे कहते हैं, नात के पेज लड़ाना है। आप नीचे से गए तो वो क्या करेगा, वो ऊपर से है, या तो वो आपके ऊपर पतंग एकदम रखेगा और नाचने लगेगा, या फिर वो क्रॉस में निकाल लेगा अपनी पतंग और पेज फंसा लेगा, फिर नाचने लगेगा, फिर वो देने लगेगा आपके हाथ का चक्कर जिस तरफ से आप उड़ा रहे होंगे, और आपको देना है उसकी हाथ का चक्कर जिस तरफ से वो अपनी पतंग उड़ा रहा होगा, फिर दोनों ऐसे नाच रहे हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी पतंग की डोर रखनी है टाइट, जिसकी पतंग नीचे घुस गई उसकी पतंग कट जाएगी। तो अगर उसने अपनी पतंग की डोर टाइट नहीं रखी तो उसकी कट जाएगी, और अगर आपने अपनी पतंग की डोर टाइट नहीं रखी तो आपकी कट जाएगी। मैं फिर बताता हूँ, आप गए नीचे से, उसने पतंग रखी आपके ऊपर और पेज फंसा लिया, अब दोनों नाच रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपको अपनी पतंग की डोर रखनी है टाइट, और अपनी पतंग को रखना है हवा में, और अगर जिसकी भी पतंग नीचे घुस गई, मान लिया कि उसकी वो नाच रहा उसकी पतंग नीचे घुस गई, और जैसे ही फिर वो अपनी पतंग उठाने के लिए अपनी डोर को टाइट करेगा, उसी समय उसकी पतंग कट जाएगी। तो इस पेज में आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जैसे जब भी आप पेज लड़ाएं नात का, तो कोशिश करें कि अपनी पतंग को हमेशा ऊपर रखें और हवा में रखें। जिसकी पतंग पहले नीचे घुस जाएगी ज़्यादातर वो कट जाता है। तो अब मैं आपको पतंग उड़ा के भी दिखाता हूँ और इस तरीके से काट के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमने पतंग पार कर ली है, और इसी पतंग से हम अभी ना फंसा के पेड़ लड़ाएंगे, तो देखते रहना। तो ये देखिए, काली वाली जो पतंग है वो हमारी है, और जो आप नीली वाली पतंग देख रहे होंगे वो दूसरे की है। तो इसी से हम अभी फंसा के पेड़ लड़ाएंगे। तो हमें कहाँ से जाना है, नीचे से, आप कहीं से भी जा सकते हैं, बस आपको अपनी पतंग को हवा में रखना है। तो चलिए हम नीचे से चले जाते हैं, हम गए नीचे से और अपनी पतंग को हवा में रखना है। वो देखिए, उसकी पतंग घुस गई और वो कट गया, ये देखिए। तो मैंने यही आपसे कहा था कि जिसकी पतंग पहले नीचे घुस जाएगी तो वही कट जाएगा, बस आपको क्या करना है, फंसा के पेज के समय अपनी पतंग को रखना हवा में।
तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको दूसरों की पतंग कैसे काटें, इसके ऊपर और वीडियो चाहिए या नहीं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।